नमस्कार, हूँ जिनिशा दीक्षित। आपनु गुजरात में आपनु स्वागत करू छू। नजर करी अत्यारना खास समाचारों पर। 5 सितंबरे देशभर में शिक्षक दिवस तरीके उजववामां आवे छे अने गुरुवर्य प्रत्ये समाज पोतानुं ऋण शिक्षक कल्याण निधि में उदार हाथे फाळो आपीने अने शिक्षकों नुं गौरव सम्मान करीने करे छे। त्यारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले शिक्षक दिन अवसरे शिक्षक कल्याण निधि में पोतानो फाळो अर्पण करी गुरुजनों प्रत्ये आदर भाव व्यक्त कर्यो हतो। गांधीनगर जिल्लानी शाळाना बाळकोने शिक्षक दिन प्रसंगे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले मुख्यमंत्री निवास स्थाने आ फाळो अर्पण कर्यो हतो। ते वेळाए गांधीनगर जिल्ला कलेक्टर कुलदीप आर्य, जिल्ला विकास अधिकारी सुरभि गौतम, पोलीस अधीक्षक दुग्गल, जिल्ला शिक्षण अधिकारी वाढेर पण તેમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबईनी मुलाकाते पहोंच्या त्यारे तेमणे प्रख्यात लालबागका राजा मंदिरमां गणपतिना दर्शन कर्यान बाद आशीर्वाद लीधा हता। राज्यमां एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीसनी सरकार बन्या बाद शाह पहेलीवार मुंबई पहोंच्या छे। त्यारे बांद्रा पश्चिममां सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ द्वारा स्थापित गणपतिनी पण मुलाकात लीधी हती। त्यारे गृहमंत्री अमित शाहे जे छे बपोरे सीएम एकनाथ शिंदेना वर्षा बंगले पहोंच्या हता। अहीं पण तेओ गणेशजीनी पूजा अर्चना करी हती। शाहे पवाईमां एलएनटी કેમ્પસમાં નાયર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની શાળાનું ઉદઘાટન કર્યું હતું। સાથે જ મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી જે છે આ મહિને અથવા તો ઓક્ટોબરમાં યોજાવાય તેવી શક્યતા છે। બીએમસી હાલમાં શિવસેના દ્વારા નિયંત્રિત છે। બીએમસી એક શ્રીમંત મ્યુનિસિપલ સંસ્થા માનવામાં આવે છે। શાહ બીએમસી ચૂંટણીને લઈને પાર્ટી નેતાઓ સાથે આગળની રણનીતિ પર ચર્ચા કરી શકે છે। गुजरात विधानसभा चूंटणी ने लईने प्रचारनो रणसिंगो फूंकावा लाग्यो छे। त्यारे राहुल गांधी रिवरफ्रंट पर कार्यकरों ने संबोधता कह्युं हतुं के गुजरातना खूणे खूणे थी हजार बब्बर शेर आज अहीं आव्या छे। तेओ विचारधारानी लड़ाई लड़ी रह्या छे। सरकार पटेलनी दुनियानी आ सौथी मोटी मूर्ति बीजेपी आरएसएस अने मोदीए बनावी छे। सरदार पटेलना मोढामांथी जे शब्दो निकळता हता खेडूतोना हितना माटे निकळता हता। તેમને વિનામૂલ્ય ઊભું ન થતા એક તરફ ભાજપ તેમની મૂર્તિ બનાવે છે અને બીજી તરફ તેમનું અપમાન કરે છે। કોંગ્રેસ પક્ષે અન્ય રાજ્યોમાં ખેડૂતોના દેવા માફ કર્યા છે, અહીં પણ અમે દરેક ખેડૂતોનું 3 લાખ રૂપિયાનું દેવું માફ કરીશું। ગુજરાતમાં કોરોનાથી 3 લાખ લોકોના મોત થયા છે। શું સરકારે કોઈ વળતર આપ્યું? કોરોનામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારોને અમે 4 લાખનું વળતર આપીશું। અમે 10 લાખ યુવાનોને રોજગાર આપીશું। રાહુલ ગાંધી સભાસ્થળેથી સીધા સાબરમતી આશ્રમ ગયા હતા અને તેઓ પ્રાર્થના સભામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેમને સુરત સૂતરની આંટી પહેરાવી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। તેમણે ગાંધીજીની પ્રતિમાને નમન કર્યા હતા। તેમણે ગાંધી આશ્રમની પ્રતિકૃતિ રૂપે ચરખો ભેટમાં અપાયો હતો। અશોક ગેહલોતે કહ્યું હતું કે ગાંધી આશ્રમથી રાહુલ ગાંધીએ ભારત જોડો આંદોલનની શરૂઆત કરી છે। હવે આખા ભારતમાં આ પ્રકારે ભારત જોડો કાર્યક્રમ કરશે। સરદાર પટેલે ખેડૂત વિરોધ એક પણ શબ્દ નથી કહ્યો। બીજેપી એક તરફ સૌથી મોટી મૂર્તિ બનાવે છે કે જે વસ્તુ માટે સરદાર જીવતા હતા તેના વિરુદ્ધ જ બીજેપી કામ કરે છે। ભાજપે 3 કાળ કાયદા લાવ્યા છે। ભાજપે ખેડૂતોના હક છીનવ્યા છે, જેથી ખેડૂત સરકાર સામે આંદોલન પર ઉતર્યા છે। આજે સરદાર પટેલ હોત તો તેનું કહેવું કોનું દેવું માફ કરત તે ઉદ્યોગપતિઓને કે ખેડૂતોને? હું આ સવાલ તમને પૂછી રહ્યો છું। તેઓ ક્યારે આવું કરતા નહીં। સાથે જ ગુજરાત ડ્રગ્સનું સેન્ટર બન્યું છે। તમામ ડ્રગ્સ મુંદ્રા પોર્ટ પરથી નીકળે છે, કાર્યવાહી કેમ નથી કરવામાં આવતી? 3000 અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલો બનાવીશું અને છોકરીઓને મફતમાં શિક્ષણ આપીશું। છત્તીસગઢ મેં, રાજસ્થાન મેં, મધ્યપ્રદેશ મેં, પંજાબ મેં, કર્ણાટક મેં किसानों का कर्जा माफ किया। जहां भी हम सरकार में आए, हमने कहा पहला काम सरदार पटेल जी जो करते वो हम करके दिखाएंगे, और हमने कर्जा माफ कर दिया। और यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान का। आप देखिए, मैंने आपसे पहले कहा आप लड़ किसके खिलाफ रहे हो। आमतौर से लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है, कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के बीच में होती है। और जो प्रदेश के देश के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, आम तौर से ये न्यूट्रल रहती हैं।
ये अंपायर का काम करती है, चाहे वो पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ये एम्पायर का काम करती हैं। मगर गुजरात में जिन संस्थाओं को सरदार पटेल जी ने बनाया, जिन संस्थाओं की नींव सरदार पटेल ने रखी थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विधानसभा हो, इन सब संस्थाओं को बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। मतलब यहां पे आप एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, यहां पे आप गुजरात का जो प्रदेश है उसकी हर एक संस्था के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है ना, आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है, मगर ना ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको सच्चाई दिख रही है, मगर इनको जो मालिक जो पीछे बैठे हैं, जो इनके मालिक पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं भैया देखो मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिले, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मत। भाई और बहनों, गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है और सारे के सारे ड्रग्स इसी मुद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, मगर आपकी सरकार यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? नहीं, जोर से बोलिए, क्या कारण है? कि हर 2-3 महीने मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं, जो गुजरात के युवाओं का भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मगर वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जूनागढ़ना भावनगर में वन डे वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अंतर्गत गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल 2 दिवस थी भावनगर में था, त्यारे कार्यक्रम ना अंतिम दिवसे पाटिले अनेक बैठकों करी हती, तेमज साधु संतो महंतो कलाकारों साथे संवाद कर्यो हतो, त्यार बाद तेओ जूनागढ़ गया हता। सी आर पाटिले महिला सम्मेलन ना संबोधित करता कह्यु हतु के एकमात्र भाजप विधानसभा ने लोकसभा अनेक बहनों ने टिकट आपी छे अने तेओ जीत्या पण छे, आ वक्ते बहनों ने वधु टिकट मळे ते माटे वडाप्रधान मोदी जे छे विचारी रह्या गुजरात में दीकरियों की घटती संख्या अंगे वडाप्रधान मोदी चिंतित बन्या छे अने सुकन्या समृद्धि योजना अमल में मूकी हती। पाटिले आज साधु संतो ने केटलाक प्रश्नों तेमज खेडूतोना प्रश्नों ने महिलाओं ने प्रश्नों ने ताकीद उकेलवामां आवे तेवी हाम भरी हती। जो तो इलेक्शन जाहिर थयो नथी, इलेक्शन जाहिर थया पछी आ प्रक्रिया हाथ धराशे। अमारा पार्टीना लेवल पर अमे એનો જે કંઈ પ્લાનિંગ કરવાનું એ કરી રહ્યા છે, પરંતુ મુખ્યત્વે જે સીટો છે એ આખા ગુજરાતના તમામ કાર્યકર્તાઓ એને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ ખૂબ સારી રીતે ઓળખે છે, અને એટલે અમે આખી આ પ્રક્રિયાની જવાબદારી સિલેક્શનની અમારી પાસે, માની લો કે કોઈ જિલ્લામાં કે કોઈ વિધાનસભામાં પછી 5 લોકો ટિકિટ માંગે તો આ દરેકનો બાયોડેટા અમે ત્યાં જ મોકલીશું અને ત્યાં જ એનો નિર્ણય થાય, કેમ કે મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈ શાહ સાહેબ બધાને ખૂબ સાહિત્ય ઓળખે છે, ખૂબ સારો નિર્ણય કરી શકશે। આ વખતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની જે દર વખતે ઈચ્છા હોય છે કે વધુ બહેનોને પણ ટિકિટ ફાળવવી જોઈએ, તો આવી સારી જીતી શકે એવી જે બહેનો હશે હવે એને પણ સિલેક્શન મળે, એના માટે એમને પણ અમે સિલેક્શનની પ્રક્રિયામાં જોડીશું। आम आदमी पार्टी ना गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया है जाहिर सभा में भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों साथे सरखामणी करी हती, भगवान श्री कृष्ण नु अपमान करी समस्त हिंदू समाज ने लागणी ने दुभावी हती। आंगे आहिर समाज ना युवान
अमित आहिर द्वारा भावनगर जिला उमराड़ पुलिस स्टेशन में तारीख 4/9/2022 रोज मोड़ी रात्र गोपाल इटालिया विरुद्ध आईपीसी कलम 295 ए मुजब गुनो दाखिल कर आपना नेता गोपाल इटालिया की जीभ द्वारका में लपसी थी जेथी उमराड़ पुलिस में अमित डांगर नामना आहिर अग्रणी फरियाद नोधाई है। भगवान श्री कृष्ण ने भाजपा राक्षसों की छोड़ावा केजरीवाल अर्जुन बनी ने आया इटालियाए कहूत आपना नेता गोपाल इटालिया ने विवादित निवेदन ने लई उमराड़ पुलिस स्टेशन में फरियाद नोधा गुजरात विधानसभा की चूंटणी ने आड़े हवे गणतरी महीनाओं बाकी रहा है त्यारे भाजप हो के कांग्रेस अने आपना नेताओं एक बीजा पर शाब्दिक वार करी रहा है साथ ज कोई पण मौको पण नथी छोड़ता। रविवार गृहमंत्री अमित शाह अमदावाद प्रवास दरमियान आ पर आड़कतरी रीते प्रहारों कर्या हता। मेगा पाटकर नर्मदा प्रोजेक्ट विरोध ने लईने निवेदन आपता कह्युं कि अमुक लोग नर्मदा योजना विरोध करता मेगा पाटकर ने पाछला बारणे अमुक लोग गुजरात राजकारण में लावा मांगे छे। गुजरात आवा लोगों ने नहीं स्वीकारे गुजरात विरोधी ने जनता जाणकार आपशे साथे ज जोईए अमित शाहे शुं कीधुं। मोदी जी नर्मदा का पानी कच्छ के खावड़ा तक लेकर गए। अगर गुजरात में मोदी जी भगीरथ बनकर ना आते और नर्मदा का पानी कच्छ तक न पहुंचाते तो ये विकास संभव ही नहीं था। मगर आजकल कुछ लोगों ने एक नई शुरुआत की, नर्मदा का विरोध करने वाली मेगा पाटकर को पिछले दरवाजे से गुजरात की राजनीति के अंदर एंट्री करने की शुरुआत करी। मैं गुजरात के युवाओं को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने नर्मदा योजना का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात के विकास का विरोध किया, उनको गुजरात में एंट्री आप करने देंगे क्या? जोर से बोलिए, करने देंगे क्या? मित्रों, ये जो प्रयास चल रहा है, मैं सारे गुजरात की जनता को कहने आया हूं कि जिन्होंने दशकों तक गुजरात का विरोध किया, दशकों तक हमारी जीवादोरी समान नर्मदा एक योजना का विरोध किया, दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां पर गुजरात को बदनाम करने का एक भी मौका जिन्होंने जाने दिया। वो मेगा पाटकर को लेकर जो लोग आना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, यहीं से रुक जाइएगा। ये गुजरात है, यहां गुजरात विरोधियों की कोई जगह नहीं। और मित्रों, मुझे भरोसा गुजरात की जनता पर और हमारे साथी जो यहां काम कर रहे हैं सरकार में उन पर और मोदी जी के नेतृत्व पर। कोई कितना कुछ भी कर ले, गुजरात का विरोध करने वालों का महिमा मंडन गुजरात की सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। अहमदाबाद में काकरिया विस्तार में आवेला ट्रांसटेरिया एका एरेना खाते जैसे योजना खेल महाकुंभ की 11वीं कड़ी समापन और 36वीं नेशनल गेम्स कर्टन रेजर रंगारंग समारंभ प्रसंगे केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह जणाव्यु कि वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी गुजरात में आरंभेला रमत गमत क्षेत्र विकास की सुवासता परिणाम ज 10 वर्ष पहला खेल महाकुंभ में 11 लाख खिलाड़ियों रजिस्ट्रेशन आज 55 लाखे पहुंचू है। अमदावाद में आकार पमेला विश्व सौथी मोटा स्टेडियम संदर्भ आपता जणाव्यु कि अमदावाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम की साथ अमदावाद शहर में अन्य स्पोर्ट्स फेसिलिटी निर्माण बाद अमदावाद विश्व सौथी मोटा स्पोर्ट्स सीटी तरीके उभरी आ गुजरात खिलाड़ियों पोतानी प्रतिभा ने प्रदर्शन थी देश ने दुनिया ना नक्शा पर अमिट छाप छोड़ी होवानु तेमने जणाव्यु हतु। नेशनल गेम्स आयोजन ने साथे गुजरात स्पोर्ट्स क्षेत्र नवा कीर्तिमान स्थापित करशे। गुजरात ना रमतगमत क्षेत्र ना इतिहास में आज अनोखो संयोग रचायो छे। वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी गुजरात में खेलकूद की संस्कृति ने विकसावाना शुभ आशय थी शुरू करावेल खेल महाकुंभना 11वीं एडिशन नु आज समापन थई रह्युं छे। तो साथे साथे अपना सौना मार्गदर्शन आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहेब की उपस्थिति में
36મી નેશનલ ગેમ્સ નો કાઇટિન ડેઝર અને એપ લોન્ચિંગ થયા છે। 11વે ખેલ મહાકુંભ કી જો યહાં પર સમાપન હોને જા રહા હે और उसके साथ साथ नेशनल गेम को के लिए जो अहमदाबाद को चुना गया है उसकी भी आज यहां ढेर सारी घोषणाएं हुई। 10 साल पहले मोदी जी ने खेल महाकुंभ शुरू किया, उस वक्त गुजरात देश और दुनिया के खेल के नक्शे पर कहां था। जब वो बीज बोया गया तब लगभग 11 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और आज 11वें महाकुंभ के समारोह पर मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 11 लाख खिलाड़ियों से शुरू किया एक खेल आज 55 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાએ સીબીઆઈ અધિકારીને મોતને તેમના કેસ સાથે જોડીને મોટો દાવો કર્યો છે। મનીષ સિસોદિયાએ સોમવારે કહ્યું હતું કે તેમની ધરપકડ માટે મંજૂરી આપવાના દબાણમાં સીબીઆઈના કાયદાકીય સલાહકાર જીતેન્દ્રકુમારે આત્મહત્યા કરી હતી। આ દરમિયાન સિસોદિયાએ બીજેપી દ્વારા કરવામાં આવેલા સ્ટિંગ ઓપરેશનને મજાક ગણાવ્યું હતું અને સાથે સીબીઆઈને તેમની વિરુદ્ધ કાંઈ નથી મળ્યું। દો દિન પહેલે સીબીઆઈ કે એક અધિકારીને સુસાઇડ ક્યાં और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइजर। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। इनका काम था लीगली चीजों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता यह चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर, यह उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे फंसाने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए, किसी फर्जी केस को लीगली साउंड बनाने के लिए एक अधिकारी पर इतना दबाव बनाने पर आ गए ये लोग कि अब बेचारे उस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा। ये बहुत अफसोसजनक है। मेरी उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है उनकी असमय इस घटना से। जिन्होंने प्रॉफिट दी गेम तो 80% की 80% एक रुपए माल दे विच सानू 20 पैसे गोरम 20 पैसे का माल होता 80 पैसे सारे साडे होते। अच्छा 1+1 करने डर गई है सानू 80 इतनी कमाई की है इतनी कमाई है मैं कि इन्होंने ऐसी चाले चलिए ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਇੰਨੇ ਪੈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 253 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ 253 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਦਾ 253 ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੋ 500 ਕਰੋੜ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਕਲੋਨੀ
अमीरगढ़ तालुकाना आंगणे आज उत्तर गुजरात ना धरतीपुत्रोनी जे छे बैठक मळी हती अने बैठक में क्या मुद्दे थई चर्चा तेमज धरतीपुत्रो लड़त करवाना मूड में जे छे लागी रह्या छे जाणो खास अहेवाल में अमीरगढ़ तालुकाना आंगणे रविवारे उत्तर गुजरात ना धरतीपुत्रोनी बैठक मळी हती। आ बैठक में बहोळी संख्या में खेडूतो जोड़ाया हता अने बटाका कॉन्ट्रेक्टर फार्मिंग फार्मर एसोसिएशन द्वारा ज्यां सुधी खेडूतोने बटाकाना पोषणक्षम भाव न मळे त्यां सुधी बटाकानी खेती न करवानो निर्णय लेवामां आव्यो हतो। संगठन आंदोलन चालू रही है जेमा शुरुआत में कंपनी जोड़े अमारी कोर कमिटीए मीटिंग करी अने कंपनी ने मर्यादित समय में जवाब आपवा माटे कह्युं हतुं पण 1.5 महीनो थई गयो कंपनी पासे थी कोई प्रत्युत्तर आव्यो नथी तो खेडूतो जे नरम वलण अपनाव्युं छे पण कंपनीए तेना तरफथी जे वलण अकड राख्युं छे आप मीडिया मित्रों द्वारा कंपनी ने अमे एवो मेसेज पहोंचाड़वा मांगीए छीए कि अमे कंपनीना मालिके भागीदार बनवा नथी मांगता पण अमे कंपनीना साथीदार बनवा मांगीए छीए। एकमेकना साथ सहयोगथी खेडूत अने कंपनी बंनेनुं भलुं थाय एवी एक वसुदेव कुटुंबकमनी भावनाथी आ संगठन मीडिया द्वारा कंपनीने आ जवाब आपवा मांगे छे। પોષકક્ષમ ભાવ માટેની છે બટાકાની, તો એના માટે અત્યારે જે પછી અમને ભાવ આપે છે તેમાં પણ અમને પોસાય તેવું નથી, તો અમે પણ એક સરકારને પણ એ વિનંતી કરીએ છીએ કે સરકાર મધ્યસ્થતા કરે અને કંપનીઓ અને સરકાર જોડે રહે અને આનું યોગ્ય નિરાકરણ લાવે। લોકો આગળ ખેડૂતોને આના માટે ઉગ્ર આંદોલન કરવું પડશે, તેની જવાબદારી કંપની અને સરકારની રહેશે। DRI દ્વારા ઈ સિગારેટનો ગેરકાયદેસર જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો। સચિન હાઈવે ઉપર વોચ ગોઠવીને DRI ની ટીમ ગોઠવાઈ હતી ત્યારે મળતી માહિતીના આધારે કન્ટેનર રોકી તેને પૂછપરછ કરતા તેમાંથી 20 કરોડની ઈ સિગારેટનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો। કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। DRI ની ટીમ સવારથી જ સચિન હાઈવે વિસ્તાર આસપાસ વોચ ગોઠવીને બેઠી હતી। અધિકારીઓને મળતી માહિતી મુજબ પોર્ટ પરથી આવતા કન્ટેનરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ઈ સિગારેટનો જથ્થો સંતાડવામાં આવ્યો હતો। હજીરા તરફથી આવતા કન્ટેનરને રોક મોડાસાના પહાડપુરમાં 4 ભેંસો ડૂબી હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે। માજુમ નદીમાં પાણી વચ્ચે રહેલા કચરામાં ભેંસો ફસાઈ ગઈ હતી। 3 ભેંસો મોતના નિપજ્યા છે, સાથે જ 1 ભેંસને બચાવી લેવામાં આવી છે। મોડાસા ફાયર બ્રિગેડ 1 ભેંસને બચાવી લીધી હતી અને 2 પશુપાલકોની ભેંસો મરી જતા આબ તૂટી પડ્યું હતું। નવસારી શહેરમાં હળીમળીને રહેતા પારસી પરિવારે પણ ગણેશજીનું સ્થાપન કર્યું હતું। પારસી સમાજ મૂર્તિ પૂજામાં નથી માનતા હોવા છતાં યુવાને બપ્પા જે છે ઘરે બેસાડ્યા હતા। છેલ્લા 17 વર્ષોથી બપ્પાની પૂજા અર્ચના કરે છે પારસી યુવાન। ગણપતિ સ્થાપિત કરતા છેલ્લા અનેક વર્ષોથી આ ગણેશ પ્રતિમા શહેરમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે। ભારત સહિત નવસારીમાં દૂધમાં સાકરની જેમ ભળેલા પારસી સમાજે હિન્દુ સંસ્કૃતિને પણ અપનાવી છે। જૂના થાણા વિસ્તારમાં છેલ્લા 40 વર્ષથી ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, જેમાં 17 વર્ષથી પારસી યુવાન આસ્થા સાથે મંડળ ચલાવી રહ્યા છે। પારસી પરિવાર પોતાની અસલ ઓળખ સાથે જ પૂજા અર્ચના કરે છે અને હિન્દુ સમાજની જેમ જ ગણપતિ બાપાના લાડકોટ કરે છે અને પારસી સમાજ પોતાની પારંપરિક આસ્થા અનુસાર જળ અને અગ્નિની પૂજા કરતો આવ્યો છે। તો બસ આટલું જ આજે આપણા ગુજરાતમાં, કાલે ફરીથી મળીશું, ત્યાર સુધી નમસ્કાર।